the Sangay Lhaden School Academy, Sport Academy से मैंने 7 बच्चा को rusticated किया गया है. उनमें से एक बच्चा मेरा था. 2017 से चालंग डिस्ट्रिक्ट से मेरी लिस्ट में पास होके मेरा बेटा जो स्पोर्ट एकेडमी चिंपू में संगे लाटिन स्पोर्ट एकेडमी में मेरी लिस्ट से पास होके आया वाला स्टूडेंट है. तो रिसेंटली ये अप्रैल का फर्स्ट वीक को हम प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए गया था, जैसे आप मेरा मिस्टर बताया है. तो गया तो स्कूल अथॉरिटी बोला है कि हमको आपका बेटा को रस्टिकेट कर रहा है. हम पूछा है बिना पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन सर आप लोग कैसे ऐसा कर सकता है रस्टिकेट, वो भी एक बच्चा का लाइफ स्पॉइल करना. तो वो बोला है आपका बेटा के ऊपर में कुछ मैंने एलिगेशन लगा है स्टोलिन चोर का केस का. हम बोले तब तो बताइए मेरा बेटा ने क्या चोर किया है. बोला है आपका बेटा ने 7 लड़का मिलके 2 पैकेट्स मैगी खाया. आप लोग मीडिया भी अच्छा से सुनिए, 2 पैकेट्स मैगी इससे 7 बच्चा का लाइफ को पूरा स्पॉइल कर दिया है. स्पोर्ट एकेडमी चिंपू संगे लाटिन स्पोर्ट एकेडमी. तो हम बोले सर प्लीज़ आप लोग ऐसा होने से भी एज ए पेरेंट्स को एक बार बुला के एपोलॉजी लिखा के जो भी 2 पैकेट मैगी का फाइन होता है आप लोग भरा लीजिए. एज ए पेरेंट्स देने के लिए तैयार है, मगर आप ऐसा रस्टिकेट मत कीजिए. बहुत हम बोला है तो वो लोग बोला है हमको ठीक है अभी इलेक्शन में बहुत बिजी है, जबकि 11 तारीख को वोटिंग था आप लोग सब मालूम है अप्रैल 11 तारीख को, इस कारण से आफ्टर वोटिंग का बाद बात करेगा. तो हम भी मान गया. 20 तारीख को जैसे ही हम फिर फ़ोन करके गया है स्कूल में तो वो लोग बोला है मेरा बेटा को भी हम लेके गया था स्कूल अथॉरिटी के पास में. वो लोग बोला है ये बच्चा को तुम रंगे हाथ पकड़ा है, जबकि ये पूरा झूठ है. हम बोले बेटा बोला नहीं सर प्लीज़ आप एक बार मेरा बात को सुनिए. तो नहीं माना है, रंगे हाथ पकड़ा है, चोर है ये लोग, मैगी चोर किया है. तब हम पूछे सर प्लीज़ आप इतना तक बोल रहे हैं तो कुछ एविडेंस दिखाइए, आपके पास जो प्रूफ है ये मैगी चोर है, हम अभी का अभी टीसी ले जाएगा, हमको प्रॉब्लम नहीं है. स्कूल अथॉरिटी बोला उसका पास में सीसीटीवी फुटेज है जो आपका बच्चा लोग ने चोर किया ला, सीसीटीवी फुटेज है. हम बोला ठीक है सर सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, हम अभी का अभी मेरा बेटा को हम लेके जाने के लिए तैयार है, हमको प्रॉब्लम नहीं है, आप फुटेज दिखाइए. तो एक स्कूल अथॉरिटी से मिलने के लिए बोला है. तो फिर हम उसको जाके मिला, वो भी बोला पेंडेट हम कहीं रख दिया, अभी हमको पेंडेट नहीं मिल पा रहा है. तो वो स्कूल अथॉरिटी ने फोटो दिखाया, 7 बच्चा का फोटो दिखाया और अपना अपना डिपार्टमेंट दिखाया, जैसे मेरा बेटा फुटबॉल में है फुटबॉल डिपार्टमेंट का, होसू का, किराती का डिपार्टमेंट का, ये फोटो के साथ दिखाया. हम बोला हम इसको नहीं मानते, फोटो का हम एविडेंस नहीं मानते, जो लाइव एविडेंस जो सीसीटीवी फुटेज है आप लोगों के पास में उसको प्लीज़ हमको शो अप कीजिए. एज ए पेरेंट्स हम आप लोग को मांग रहे हैं, नहीं दिया है. बोला जब स्कूल खुलेगा जून में तब देगा. फिर भी हम अथॉरिटी को बोला है कि ठीक है जून में जो भी ये 6 बच्चा का पेरेंट्स टीसी लेने के लिए आता है आप प्लीज़ वो लोग एक डेट दीजिए और हमको बुलाइए, हम लोग आएगा और सब बच्चा मिल के बात करेगा. अगर इसमें 2 बच्चा गलती है तो 5 को क्यों सज़ा मिलना है, अगर 5 गलती है तो 2 को क्यों सज़ा मिलना है. हम लोग आएंगे आपके साथ में बात करेगा, वो लोग होगा होगा आप जाइए. बोला हम चला गया. जैसे ही 4 तारीख आ गया जून का, 4 तारीख आ गया, प्राइवेट स्कूल तो मई से पूरा क्लास स्टार्टिंग हो जाता आप लोग सबको मालूम है कैपिटल कॉम्प्लेक्स का. जैसे ही आ गया तो 4 जून को हम मेरा मिस्टर को भेजा है आप एक बार जाके देखिए एडमिशन लेगा ना नहीं लेगा, प्राइवेट स्कूल का भी एडमिशन क्लोज हो गया जबकि मई से क्लास बिगिनिंग हो गया तो क्या करेगा. तो इसने किया है तो जाते समय बोला है बुलाया आपका बच्चा अगर इनोसेंट है तो जरूर एडमिशन मिलेगा, कुछ दिन का बाद आप आइए. फिर 12 तारीख को हम दोनों गया है, जून का 12 तारीख को फिर स्कूल गया है हम दोनों ने. उसमें तो हम अथॉरिटी से ऐसा बात की आज दिन भर चाहेगा आप लोग साथ में हम बैठेगा, जब तक फुटेज नहीं दिखाएगा हम नहीं जाएगा. 3 टाइम्स हो गया फुटेज मंगा वाला, 3 टाइम्स हो गया अरुणाचल की जनता आप सब सुनिए, 3 टाइम्स फुटेज मंगाए पेरेंट्स ने, नहीं दिया है. उसमें भी बोला है बहुत देर का बाद में स्कूल अथॉरिटी बोला है आप जाइए. हम लोग फिर स्कूल कमिटी एक मीटिंग बैठेगा, मीटिंग बैठ के आपका बच्चा को भी बुलाएगा, उसका कोच भी होगा, उसके बाद में डिसाइड करेगा कि आपका बेटा को एडमिशन लेना है ना नहीं लेना है. फिर मान के हम चला गया, हम आर्गूमेंट्स भी नहीं किया, वो लोग जैसे जैसे बोला हम वैसे वैसे किया, हम आ गया. फिर आने का बाद में जून का 17 को हम कॉल किया स्कूल में, सर आप लोग का जो मीटिंग बैठाना है वो क्या करेगा. बोला तो नहीं नहीं हम लोग बैठ चुका है आपका बच्चा को नहीं लेगा बोला है, मगर वो लोग बैठाना नहीं बैठा हमको मालूम नहीं, हमको कोई रिपोर्ट नहीं दिया. तब जाके हम जून का 18 तारीख को चाइल्ड लाइन में कंप्लेन किया है, चाइल्ड लाइन में ये कागज़ सब देख रहे हैं ना, चाइल्ड लाइन में कंप्लेन किया है हमने, चाइल्ड लाइन ने हमको हेल्प किया है, मेरा बेटा का स्टेटमेंट भी लिया है, चाइल्ड लाइन ने कंप्लेन किया है. 18 तारीख को ही चाइल्ड लाइन ने वो लोग को मेमोरेंडम डाल दिया है बच्चा को क्यों 2 पैकेट मैगी के लिए रस्टिकेट किया है, जबकि ये केस नहीं बनता है छोटा बच्चा को डाला है, कोई रिपोर्ट नहीं आया वो लोग का तरफ से, आप लोग देखिए. फिर 24 को एज ए पेरेंट्स हम डाला है, जितना भी मेमोरिज्म डाल रहा है ये मेमोरिज्म जो एक कॉपी डीसी के पास जरूर पहुंच रहा है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डीसी के पास जरूर पहुंच रहा है.
डाला है, रिपोर्ट नहीं आया इसका भी, स्कूल अथॉरिटी से कोई रिपोर्ट नहीं आया है। उसका बाद में फिर 26 को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी डाला है, वो भी कोई रिपोर्ट नहीं आया है, बिल्कुल रिपोर्ट नहीं दे रहा, जून महीना जो रिप्लाई नहीं दे रहे, वो लोग ऐसे ही चला गया। उसके बाद में क्या हुआ है कि हम बोला फिर चाइल्ड लाइन को, बिल्कुल वो लोग रिप्लाई भी नहीं दे रहा है, रिपोर्ट भी नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेगा। 3 तारीख को एक चाइल्ड लाइन का ब्रदर गया है ये लोग से रिपोर्ट मांगने के लिए, आप लोग देगा ना नहीं देगा, उसको बोला ठीक है जाते रहो बाद में देगा स्कूल अथॉरिटी, नहीं दिया। फिर 4 तारीख को गया है स्कूल अथॉरिटी को मांगने के लिए चाइल्ड लाइन से, फिर एक ब्रदर, नहीं दिया। 5 तारीख को गया है मेरा मिस्टर और चाइल्ड लाइन का एक ब्रदर गया है, तो आप लोग आस नहीं देने से तो पेरेंट्स मीडिया में चला जाएगा। तब वो लोग आनंद फानंद में मेरा बेटा के ऊपर में पूरा एलिगेशन लगा के दिया है, जबकि मेरा बेटा इतना ही बदमाश था, तो वो लोग को एलिगेशन देने के लिए 1 मंथ क्यों लगाए, ऐसे 15 डेज क्यों लगाए, बच्चा अगर खराब था तो अभी कोई हमको बोलेगा हम उसको डायरेक्टली जवाब देगा, अगर वो अच्छा है खराब है जो भी हो, मगर स्कूल अथॉरिटी हमको देने के लिए 1.5 मंथ पूरा लगा दिया रिप्लाई देने के लिए। और रिप्लाई में आप लोग देखिए, सबसे फर्स्ट रिप्लाई दिया है मेरा मिस्टर, मेरा बेटा ने सॉरी क्लास 6 का एक लड़का के साथ मिलके क्लास 10 का एक लड़का का मोबाइल को चोर किया है, फर्स्ट जो रिप्लाई दिया है। सेकेंड में वो लोग ने दिया है मेरा बेटा का पॉकेट से सिगरेट मिला है, हम आज मीडिया के सामने में पूरा क्लियरिफिकेशन करेगा। थर्ड में दिया है सांगे लादिन में जो बाहर से फुटबॉल खेलने आते ग्राउंड में, उसको किसी बोलम बोल के कोई बच्चा का नाम है, उसको मेरा बेटा ने फोर्सली करता है बोला कि जाओ किसी का मोबाइल चोर करके लाओ। उसके बाद 4 नंबर में मैगी चोर किया है बोल के दिया, 7 बच्चा का साथ में नाम जो। तो ये 1st नंबर का जो हम क्लियरिफिकेशन करना चाहता है इस मीडिया का थ्रू, 1 रात का 9:30 बजे को मेरा बेटा का कॉल आया था, तो 9:30 बजे हम स्कूल गया है, स्कूल में कोई टीचर नहीं था, कोई वार्डन नहीं है, सिर्फ बच्चा लोग भगवान भरोसे छोड़ के रखा था। हम पहुँचाए 9:30 बजे को, हम मेरा बेटा को बोला क्या हुआ है, बेटा बोला मम्मी हमको क्लासेस का कोई बच्चा मोबाइल दिया है तो सडनली मेरा हाथ से टूट गया, तो उसको भैया जो रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। क्लास 10 का लड़का को हम मिला है, हम बात किया है, वो भी बोला आंटी आपका बेटा तो आके नहीं लिया हुआ, क्योंकि क्लास 7 का बच्चा को 6 हॉस्टल में अलाउड नहीं है, 6 का ही बच्चा ने लेके दिया हम मालूम है, आप उसी का पेरेंट्स को भी बोल के आप दोनों मोबाइल मिला के दो। हम बोला है नहीं बेटा हो जाएगा, हम खुद आंटी दे देगा, दे दिया। ये सब मेरा पास प्रूफ भी है, मेरा साथ में एक आदमी भी गया, भाई गया, ये तो ड्यूटी में था, एविडेंस भी है मेरा पास में। और मैं ये इसका साथ में मैं स्कूल अथॉरिटी को पूछना चाहता हूँ, कौन सा स्कूल में कौन सा बाइलो में लिखा है, कौन सा RTA 1 में लिखा है कि स्कूल अथॉरिटी जो हॉस्टल में या स्कूल में मोबाइल अलाउट करता है, अगर वो स्कूल में मोबाइल अलाउट नहीं करता था, मोबाइल लेने नहीं देता था, ये घटना भी नहीं होना था, 1 पॉइंट। और 2 में आया है मेरा बेटा का पास में सिगरेट मिला है, सिगरेट तो 2017 में मिला है ना, 18 में मिला है ना, 19 में मिला है, हमको एक डेट बताइए, एक डेट बताइए, उसके बाद में कौन सा मंथ में मिला, जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ होता है, मंडे से लेकर संडे तक एक डे होता है, 1 से लेकर 30 तक एक तारीख होता है, डेट बताइए कौन सा डेट में हमको ये मेरा बेटा को सिगरेट मिला है। और इस एविडेंस पर मैं हम मेडिकल टेस्ट करने के लिए भी तैयार है, मेरा बेटा को अल्कोहल या कुछ भी मेरा बेटा अगर विमल तक भी खाता है बोले से ओके, हम पेरेंट्स जो जो बोलेगा हम मानने के लिए तैयार है। और 4th नंबर में है मेरा बेटा ने किसी को बोलम को उकसाता है मोबाइल चोर करने के लिए। मेरा BN कॉलोनी चिंपू से बहुत सा लोग वहाँ फुटबॉल खेलने जाते हैं, कितना बच्चा को हम बोला है प्लीज़ मेरा बेटा के लिए थोड़ा पैसा ले जाओ, थोड़ा कपड़ा ले जाओ, वो बच्चा लोग बोला है आंटी जब हम लोग खेलते हैं सांगे लादिन का बच्चा को ग्राउंड में अलाउड नहीं है, एक नहीं बहुत सा लोग बोला है, हम लोग कैसे ले जाएगा, हम लोग वहाँ में आपका बेटा को ढूंढने भी नहीं सकेगा बोला। तो अगर मेरा बेटा दिन रात मोबाइल चोर करने के लिए ग्राउंड में उकसाता है तो मेरा बेटा का क्लास कौन कर दे रहा है, एक्टिविटी कौन कर दे रहा है, ये जो स्कूल अथॉरिटी हमको जवाब देना है ये मानते हैं। और 4 नंबर पैकेट, 7 बच्चा ने 2 पैकेट मैगी खाया, आप लोग 7 आदमी 2 पैकेट मैगी को टुकड़ा टुकड़ा करके बाकी कितना होगा, कितना खाया होगा, इतना खाया होगा, उसमें से 7 बच्चा का लाइफ को स्पॉइल कर दिया। तो उसमें से पता किया तो मेरा बच्चा ना मैगी खाने में था ना लेने में था बेचारा, वो और एक लड़का है तवंग डिस्ट्रिक्ट का, उस दोनों को पूरा फंसा दिया, 5 लड़का को जमा कर दिया, पूरा धरा दिया, और भी बुलाओ नहीं तो तुम लोग को नहीं छोड़ेगा, उपाय ने दोनों का नाम जाने दोनों को बुला दिया, तवंग डिस्ट्रिक्ट का है और मेरा बेटा चंगलंग डिस्ट्रिक्ट का को ऐसे बुला दिया। उसके बाद में हमने बहुत से हेल्प मांगा है, बहुत से, ये मेरा बेटा और तवंग डिस्ट्रिक्ट का जो लड़का था दोनों तो हॉस्टल में सो रहा था बोला, किसी को बुलाने के लिए भेजा है, तो दोनों भी साथ में इन्वॉल्व हो गया, फंस गया दोनों भी। तो इस केस पर में हम बहुत सा लोग को मदद मांगा है, सबसे पहले तो हम मदद मांगा है अफसू से, हम कॉल किया है, हम अफसू को सोचा है कि उसको दुनिया जो भी बोलो पक्का स्टूडेंट का है, तो एक बार तो पक्का वो सोचेगा, अफसू को हम प्रेसिडेंट को कॉल किया है, हमसे बात किया है, नेक्स्ट दिन में हमको मैसेज किया है प्रेम तलंग
साइड एजुकेशन सेक्रेटरी है, उसको भी हम बात किया है, वो बोला होगा मेरा हम जरूर आपको हेल्प करेगा। दूसरा दिन का बाद में उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद कहाँ मैं जाऊँ हम हेल्प मांगने के लिए, इतना हेल्पलेस हो गया कि हम मेरा बच्चा को दिन ब दिन वो मैंने दुख में जाता हुआ भी एक माँ है नहीं देख सक रहा है, ऐसा हालत में हो गया। उसके बाद में हम दोनों ने मेमोरिडियम डालने शुरू हो गया, आपका ये जो मेरा मिस्टर हम दोनों ने मेमोरिडियम डाला है, आप लोगों के पास भी एक जो 12 तारीख को डाला है गवर्नर सर को, गवर्नर सर को हम मेमोरिडियम ये सोच के डाला है कि गवर्नर सोच के नहीं डाला है, अरुणाचल का एक पिताजी सोच के डाला था, जरूर ये कागज़ को देख के एक बच्चा का दर्द को समझ के वो जो दो तीन दिन में जरूर एक्शन लेगा होगा सोचा था। उसके बाद में उससे भी कोई हेल्प नहीं मिला है, गवर्नर सर से भी 1.5 महीने हो गया, कोई भी पता नहीं, कुछ भी नहीं है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। उसके बाद ये मेमोरिडियम एक गवर्नर एकला को नहीं डाला है, सेम डेट में हम दिया है होम मिनिस्टर और ये सॉरी और ये हम लोग का चीफ मिनिस्टर को हम दिए पेमा खंडू सर को, उसके बाद में स्पोर्ट मिनिस्टर को दिया है, उसके बाद में एजुकेशन मिनिस्टर को हम दिया है, चीफ सेक्रेटरी को दिया है, उसके बाद में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर सर को भी हम दिया है, मगर किसी से भी हमको कोई हेल्प नहीं मिला है। मगर हम अपना से अपॉइंटमेंट लेके 2 बार 3 बार स्पोर्ट मिनिस्टर से मिला था, मेरा जुलाई महीना तो उसका चैम्बर में ख़त्म हो गया, कभी जात कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है कर करके, वो भी लास्ट में बोला है देखेगा हम जरूर हेल्प करेगा इसको हम सीरियसली लेगा, मगर लास्ट एंडिंग में बोला है हमसे नहीं हो पाएगा। तो चीफ सेक्रेटरी सर का पास में हम गया है फिर हेल्प मांगने के लिए, वो सर भी ये कागज़ को जेरोस करके लिया था, लेने का बाद में स्कूल अथॉरिटी से बात हुआ है, बोला स्कूल अथॉरिटी ने ये एलिगेशन लगाया मेरा बेटा के ऊपर में जो मोबाइल वोबाइल जो अभी हम आप लोग को साथ में क्लियरिफिकेशन केस को मंगाया। तो अभी अगर मेरा बच्चा को री एडमिशन लेता भी है तो स्कूल का कोई बदनाम हो जाएगा बोला, इसलिए नहीं ले पाएगा। तो ऐसा हो कि मेरा बेटा जो बहुत मीन्स प्रॉब्लम में चला गया, आप लोग देखिए ये मेडिकल कागज़ है निभाए आपका नाहलगन का, ये तोमोरिबा मेडिकल का, ये एक डॉक्टर ने दो डॉक्टर का लिखा रहा है, बच्चा पूरा डिप्रेशन में जा रहा है, यहाँ में एप्लीकेशन में लिखा है बच्चा सुसाइड भी कर सकता है, यहाँ में लिखा है मैंने, इतना बच्चा जो मीन्स तकलीफ में है। उसके बाद में ये अकला नहीं, यहाँ में ECG का रिपोर्ट है और यहाँ में EEG का रिपोर्ट है, ये निभा में होता है ये वहाँ में नहीं होता है नाहलगन मेडिकल में, वो सब हम पूरा करा लिया मेरा बेटा से। अगर ये दो टेस्ट करते समय में वीडियोग्राफी करने का अलाउट होता तो जरूर हम करके हम मीडिया को दिखाता था, मैंने किस हद तक मेरा बेटा को कर रहा है मैंने ऐसा हालत में पहुंचा दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अरुणाचल गवर्नमेंट से अगर मेरा बच्चा कुछ हो जाएगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, अरुणाचल गवर्नमेंट जिसको हम मेमोरिडियम डाला है जो एकदम कुछ भी नहीं सोच रहे, बोलो एक बच्चा का लाइफ स्पॉल होने स्पॉल हो ही गया 80% ना, स्कूल अथॉरिटी जो बच्चा को इलीगली रस्टिकेट किया है जस्ट 2 पैकेट्स मैगी के लिए। उसके बाद में यहाँ मैं आप लोग को दिखा देगा ये अरुणाचल का एक गाइडलाइन बनाया वाला है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ईटानगर, ये गाइडलाइन जो बनाया है ईटानगर में थर्ड जून का 3 तारीख 2010 में बनाया है, यहाँ में आपका पेज नंबर 9 में लिखा है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, आप लोग ये गाइडलाइन को देख सकता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में आपका स्कूल मीटिंग कुछ होने से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो स्कूल का ही बच्चों का कोई पेरेंट्स होना है उसमें, यहाँ में कुछ मैनेज ये लिखा हुआ है गाइडलाइन में अरुणाचल गवर्नमेंट ने, ऐसा भी नहीं है वो लोग मीटिंग बताए हम लोग को बुलाया भी नहीं है कुछ भी नहीं किया है मेरा, ऑलरेडी वो लोग का मीटिंग जो वो लोग का बताए वाले से स्कूल अथॉरिटी जो February 18 को वो लोग बताए February 18 को वो लोग जो मीटिंग बताइए देखिए मीटिंग बता है, ये मीटिंग में सिर्फ 5 आदमी है, 5 आदमी ने 7 बच्चा का लाइफ को डिसाइड कर दिया कि ये बच्चा को रेस्टिकेट करना है। इसमें ये मीटिंग में ये चेयरमैन कहाँ चला गया, स्कूल कमेटी का चेयरमैन स्पोर्ट स्कूल कमेटी का चेयरमैन कहाँ गया, वाइस चेयरमैन कहाँ गया, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कहाँ गया, असिस्टेंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कहाँ गया, 7 बच्चा का अगर लाइफ को स्कूल होने जा रहा था तो कम से कम ये लोग भी होना था, ना कि सिर्फ 5 आदमी ने डिसाइड ले लिया कि ये बच्चा 5 को रेस्टिकेट करना है। उसके बाद में यहाँ में कहाँ में लिखा है ये गाइडलाइन अरुणाचल का गाइडलाइन में कहाँ में लिखा है कि बिना पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दिए बच्चा को रेस्टिकेट करता है, यहाँ में तो कहीं में भी ऐसा नहीं लिखा है। उसमें भी लिखा है कि अगर बच्चा का ऊपर में
कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको अरुणाचल गवर्नमेंट जो जितना हो सके जल्दी से जल्दी सोल्यूशन में लाना है, उसमें यहाँ में पूरा आपका लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रेन, यहाँ में पूरा लिखा है गाइडलाइन पूरा इसमें लिखा हुआ है 24 पार्ट नंबर 8। इसमें अगर किसी बच्चा का ऊपर में प्रॉब्लम या कुछ हो जाता है तो अरुणाचल गवर्नमेंट जो जल्दी से जल्दी उस बच्चे का तरफ में हो के केस को जल्दी से जल्दी निपटाना है, 6 मंथ्स के अंदर इसको पूरा का पूरा क्लियर हो जाना है। जबकि मेरा अप्रैल से लेके आज सितंबर हो गया, कुछ नहीं हो पा रहा है अभी। इसलिए मैं अरुणाचल की जनता से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज मेरा बच्चा का साथ हुआ है, कल किसी और के साथ में भी ये होने जा रहा है। उसके बाद में पहले भी शायद स्पोर्ट्स स्कूल में ऐसा बहुत हुआ होगा, ये तो हम मालूम नहीं है। पहले का पेरेंट्स अगर लड़ता था तो आज ये मेरा बच्चा लोगों पर भी नौबत नहीं आना था। आज हम चुप बैठेगा, कल किसी और बच्चे के साथ में होगा। वो स्पोर्ट्स स्कूल में ऐसा बहुत सा बच्चा है जिसका पेरेंट्स नहीं है, कोई माँ है कोई बाप नहीं है, ऐसा बहुत सा बच्चा पढ़ रहा है। तो वो बच्चा लोग को अगर फ्यूचर में ऐसा रेस्टिकेट कर देगा तो वो बच्चा चोर नहीं बनेगा, गुंडा नहीं होगा, दाग तो लगी गया इसमें और बड़ा काम करने में मेरा क्या जाएगा, बच्चा जरूर करेगा। वो चीज़ जो अभी भी मेरा बेटा के ऊपर में भी लागू हो रहा है, रात दिन नहीं सोता है। हम लोग सुबह का 3 बजे तक बेटा का साथ में रुक के बैठना पड़, जब वो सोएगा हम लोग सोएगा, इतना तकलीफ हो रहा है। आप सोच के देखिए अभी कितना दुख की बात है ये जो, और ये तकलीफ को लेके और मैं किसके पास में जाऊँ। और स्कूल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि एज ए पेरेंट्स जो CCTV फुटेज जो आप हम लोग पेरेंट्स को तो नहीं दिखाया है, अरुणाचल की जनता को आप लोग दिखाइए, मीडिया को दिखाइए, अरुणाचल गवर्नमेंट को आप लोग वो फुटेज को प्लीज़ दिखा दीजिए, ताकि शायद हम गलत भी हो सके। और हम ये नहीं बोलते कि मेरा बच्चा जो शायद बहुत अच्छा था होगा, हम ये भी नहीं बोल रहे, बच्चा गलत भी था होगा, बढ़ती उम्र में कौन बदमाश नहीं होता है। फिर भी एक बार पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देने में वो लोग का क्या प्रॉब्लम था, सीधा मेरा बच्चा को रेस्टिकेट कर दिया। अभी जितना भी 6 बच्चा का पेरेंट्स को ये मीडिया का थ्रू हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी आइए, आप लोग भी पूछिए आपका बच्चा को किस एलिगेशन पर में निकाला है। जबकि मेरा बच्चा को वो लोग इतना एलिगेशन दिया है, तो आपका बेटा का ऊपर में भी क्या प्रॉब्लम होके वो लोग निकाला है, आप लोग भी आके पूछिए, मुझे मिलने के लिए कोशिश कीजिए, हम आप लोग के साथ मिलने के लिए रेडी हैं। हम आप लोग से भी पूछ रहे हैं, आज आपका बेटा साथ हुआ है, कल किसी और के साथ में होगा। जितना भी पेरेंट्स जो साथ में निकाला है, प्लीज़ आप लोग आइए, कोऑपरेट कीजिए, अपना बच्चा के लिए लड़िए, मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। हाँ, हम अगर स्कूल अथॉरिटी री एडमिशन लेगा तो ज़रूर कराएगा, क्योंकि मेरा बेटा का जो फुटबॉल में वो लाइफ उसका, वो सोचता है कि हमको फुटबॉल में ही जाना है, एक है उसका, तो हम क्यों एडमिशन लेकर, जरूर कराएगा, जो उसका हक है, जो मेरिट लिस्ट है, जो उसको मिलना है मिलेगा ही है। अभी रिसेंटली ऐसे हुआ है कि स्कूल में एक तो इतु जिरदो मीडिया में नाम ले रहा है, क्लास 8 में एडमिशन हुआ है, इंटरव्यू लिया है ना नहीं लिया वो तो हम मालूम नहीं है, मगर वो बच्चा को क्लास 8 में कैसे इंटरव्यू मिला, जबकि स्पोर्ट स्कूल में only 6 में वैकेंसी होता है, 8 में आज तक हम मालूम नहीं है, ये हम बोल रहे हैं। अभी सुना है तो अभी जो रिसेंटली प्रेजेंट में जो प्रिंसिपल है शायद वो भी जीरो है, बोला उसका भतीजा लगता है, बोला आप लोग सोच के देखिए, अरुणाचल का जनता सोच के देखिए ये क्या हो रहा है।